Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो एस्ट्रोलॉजी के आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो आपकी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ. इसमें मैं आपके साथ जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विच इज़ बेस्ड ऑन रूल वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगी. अब सिर्फ आपके दो ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका यूनिट टू तक सिलेबस कम्प्लीट नहीं है. फर्स्ट आई विल कम्प्लीट द सिलेबस टिल यूनिट टू. आपके ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं, सिर्फ सोशियोलॉजी और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उस पर यूनिट टू के क्वेश्चंस पेंडिंग है. तो मैं ट्राई करूंगी जितना जल्दी हो सके आपके सोशियोलॉजी और हिस्ट्री के भी आपके पेंडिंग क्वेश्चंस की जो यूनिट टू तक क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाए. देन उसके बाद आपके यूनिट थ्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो मैं स्टार्ट करूंगी हर सब्जेक्ट की. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू नो अबाउट रोल, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस. अब जैसे कि आपको पता ही है कि लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके ही आंसर लिखना है. प्लीज़ आप लोग इंट्रोडक्शन, मीनिंग या डेफिनेशन जो भी स्टार्टिंग में होता है उसको स्किप मत किया करो, बिकॉज इन्हीं सब चीज़ों से आपका आंसर जो है दूसरे बच्चों से अलग होता है. नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट स्टेटस इन सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर हर पर्सन का एक डिफरेंट स्टेटस होता है एंड सम डिमांड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट स्टेटस. और उस स्टेटस के साथ हमारी कुछ डिमांड्स होती हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उस स्टेटस के अकॉर्डिंग हम लोग वो परफॉर्म करते हैं. पर्सन अचीव्स मैनी स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, एज, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा. अब देखो, एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमारे पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं, एक पर्सन है वो फादर भी है, ब्रदर है, ठीक है, उसके साथ साथ वो ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ के क्लर्क हो सकते हैं, ऑफिसर हो सकते हैं. तो इस तरीके से एक पर्सन के पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके एज, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग. Whatever function person does while living in the society is known his role. तो जो भी function एक person करता है society में रहते हुए उसको हम क्या कहते हैं, उस person का role. Whole system, balance and organization of our society depends upon the division of labor in every person is given a specific function. अब हमारी सोसाइटी के अंदर हर एक पर्सन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. इसी तरीके से हम कह सकते हैं हर कोई अपना अपना फंक्शन जो है प्ले करता है, अपना रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहता है. और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी हर किसी काम को हमने जेंडर, एबिलिटी और एज के अकॉर्डिंग जो है पर्सन्स के बीच में डिवाइड कर दिया है. एवरी स्टेटस हैज अ सेट ऑफ रिलेटिव फंक्शन. हर स्टेटस के साथ कुछ फंक्शंस होते हैं जो हर पर्सन ने प्ले करने होते हैं अपनी सोसाइटी में रहते हुए. दिस सेट ऑफ फंक्शंस इज नोन एज रोल्स. अब एक पर्सन जो है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग जो भी फंक्शन करता है सोसाइटी में रहते वक्त, वो सारे क्या होते हैं, उसके रोल कहलाते हैं. रोल ऑफ एवरी वन इज डिफरेंट. और सोसाइटी में हर किसी का रोल जो होता है वो डिफरेंट होता है. हम कभी भी किसी भी दो पर्सन्स के रोल को नहीं कह सकते कि कंप्लीटली सिमिलर है. हर पर्सन जो है डिफरेंटली बिहेव करता है अपने पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग. सो यानी कि एक पर्सन का जो रोल है वो दूसरे से बिल्कुल अलग होता है. नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन. अकॉर्डिंग टू गिन्सबर्ग, स्टेटस इज अ पोजिशन एंड अ रोल इज द मैनर इन विच दैट पर्सन इज सपोज टू बी फिल्ड. सो स्टेटस एक ऐसी पोजिशन है या फिर रोल है जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन को अपने आप को उस जगह पर फिट करना है. यानी आपको जिस अकॉर्डिंग आपका स्टेटस होगा वैसे ही फंक्शंस परफॉर्म करने हैं सोसाइटी के अंदर. सेकंड आपकी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लर्नबर्ग, रोल इज़ द पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन अ सर्टेन ग्रुप और सिचुएशन. रोल एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो एक पर्सन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ये पर्सन ऐसे बिहेव करेगा. सो यानी कि किसी भी ग्रुप का जब आप मेंबर बनते हो तो ये पहले से ही डिसाइड होता है कि मेंबर बनने के बाद आपने कैसे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं और किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है उस ग्रुप के अंदर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. नेक्स्ट आपने हेडिंग लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट पॉइंट है वन पर्सन हैज़ मैनी रोल्स. अ पर्सन गेट्स मैनी स्टेटस वाइल लिविंग इन सोसाइटी. जब एक पर्सन सोसाइटी में रहता है तो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है एंड ऑटोमेटिकली गेट्स मैनी रोल्स रिलेटेड विद दो स्टेटस. और बहुत सारे रोल्स जो हैं अपने आप ही हमें सोसाइटी में मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ फादर, हस्बैंड इन फैमिली. एक पर्सन का रोल जो है फैमिली के अंदर एक फादर का हो सकता है, हस्बैंड का हो सकता है, और साथ के साथ रोल ऑफ क्लर्क और ऑफिसर इन ऑफिस. और ऑफिस में वो एक ऑफिसर की तरह या मैनेजर की तरह, क्लर्क की तरह काम करते हैं. और रोल ऑफ चेयरमैन इन क्लब. और कोई अगर उन्होंने क्लब ज्वाइन कर रखा है, हो सकता है वहाँ पर वो मैनेजर हों या फिर वहाँ के चेयरमैन हों. तो इस तरीके से एक पर्सन जो है बहुत सारे रोल प्ले करता है.
सेकेंड पॉइंट है रोल इज फंक्शनल. पर्सन हैज टू डू वर्क रिलेटेड टू द स्टेटस एंड दिस इज द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ रोल. अब एक पर्सन जो है अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत सारे रोल प्ले करता है सोसाइटी में, और जो भी वो रोल प्ले कर रहा है या फंक्शन कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी में उसका एक स्टेटस है. उस स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए हम लोग जो है बहुत सारे फंक्शंस प्ले करते हैं. अब यहाँ पर अगर हम फंक्शन कर रहे हैं तो इसीलिए बोला जा रहा है कि रोल फंक्शनल है, कि आपको फंक्शन करना पड़ेगा, आप स्टैटिक नहीं रह सकते हो. थर्ड पॉइंट है रोल इज डिटर्मिंड बाय द कल्चर. पर्सन हैज मैनी स्टेटस, दैट इज वाई ही नीड्स टू परफॉर्म रोल्स रिलेटेड विद द स्टेटस अकॉर्डिंग टू द रूल्स वैल्यूज लॉज एंड ट्रेडिशन. अब एक पर्सन के पास बहुत सारे स्टेटस होते हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं जो उस पर्सन ने सोसाइटी में रहते वक्त प्ले करने हैं. अब जो भी वो स्टेटस होगा उस पर्सन का, वो कैसे डिसाइड होगा, जो उस सोसाइटी के रूल्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे, लॉज एंड ट्रेडिशंस. सो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं हमारी, रूल्स, लॉज, ट्रेडिशंस, हमारे रीति रिवाज, हमारा वैल्यू सिस्टम, ये सारा कैसे बनता है, हमारी सभ्यता से, हमारी कल्चर से. तो जैसा कल्चर होगा वैसे ही रोल्स हमें मिलेंगे सोसाइटी में रहते वक्त. तो जो रोल प्ले का सिस्टम है ये इफ़ेक्ट होता है या डिसाइड होता है वहाँ उस सोसाइटी के कल्चर से. फोर्थ पॉइंट है इम्पॉर्टेंस ऑफ एबिलिटी ऑफ रोल. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही कैन परफॉर्म हिज रोल इन प्रॉपर वे. अब देखो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपको जो भी रोल दिया गया है आप उसमें 100% अपना दो, आपको अच्छे से करना है, ऐसा नहीं, कुछ कंपल्सरी नहीं है. वन पर्सन परफॉर्म वन रोल सक्सेसफुली एंड अनदर ही फेल्स. तो हो सकता है हम रहते हुए एक रोल बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं और एक रोल में हम फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिए जाएंगे, सोसाइटी से हमें निकाल दिया जाएगा. तो ज़रूरी नहीं है कि जो जो रोल आपको मिले हैं, एक पर्सन के पास 10 या 12 रोल हो सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो पर्सन एक ही टाइम पर सारे रोल बहुत अच्छे से प्ले करे. इट मीन्स दैट पर्सन कैन परफॉर्म हिज रोल इन राइट और रॉन्ग वे अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी. अब अपनी एबिलिटी, अपनी प्रायोरिटी, अपनी सिचुएशंस को देखकर जो रोल हमें अच्छा लगता है या जो रोल हमें लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम उसमें अपना 100% देते हैं और बाकी रोल्स हम साइड बाय साइड प्ले करते रहते हैं. तो हमारी एबिलिटी, हमारे चॉइसेस, हमारी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भी हम रोल्स को डिसाइड करते हैं. फिर फिफ्थ पॉइंट है रोल इज़ डिटर्मिंड बाय द सोशल सैंक्शंस. नेचर ऑफ ह्यूमन्स इज़ नॉट द सेम. जो ह्यूमन्स होते हैं उनकी नेचर सेम नहीं रहती है. सोसाइटी में चेंजेस आते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, और जिसकी वजह से एक ह्यूमन का नेचर भी चेंज होता है टाइम के साथ. इफ़ द मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी विल बी अलाउड टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश, देन नो वर्क वुड बी डन इन एन एफिशिएंट वे. अगर सोसाइटी के जितने भी मेम्बर्स हैं वो अपने विशेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सोसाइटी में प्रॉपरली वर्क नहीं हो पाएगा. इट इज़ सो बिकॉज सम विल नॉट बी एबल टू डू दैट वर्क एंड सम विल वर्क अगेंस्ट द वैल्यूज ऑफ सोसाइटी. अब देखो, कुछ तो हो सकता है कि बहुत अच्छे से काम करेंगे सोसाइटी में अगर उनके विशेस के अकॉर्डिंग करेंगे, और कुछ लोग जो है बेनिफिट उठाने की कोशिश करेंगे, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हमारे जो सोसाइटी का जो वैल्यू सिस्टम है उसको ख़राब करने की कोशिश करेंगे अगर लोग अपने विशेस के अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दें. दैट इज़ वाई ओनली दोज रोल्स आर एक्सेप्टेड बाई सोसाइटी विच हैव सोशल सैंक्शंस. तो इसकी वजह से ही सोसाइटी में सिर्फ वही रोल एक्सेप्टेड है जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर रही है, यानी उसके पीछे सोसाइटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. अगर हम वो रोल अपना अच्छे से प्ले नहीं करते हैं या अपने रोल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट बिहेव करते हैं तो सोसाइटी जो है हमें एक्सेप्ट नहीं करती है. और इवन समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सीन दैट कि बहुत बार हमें उस ग्रुप से या फिर उस सोसाइटी से निकाल भी दिया जाता है. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा रोल कैसे डिसाइड होता है, हमारी सोसाइटी के एक्सेप्टेंस पे. और अगर सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो हम ऑटोमेटिकली अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं विद टाइम. सो हमारा सिक्स्थ पार्ट है रोल्स आर चेंजेबल. चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर. जैसे कि हमें पता है कोई भी सोसाइटी या कोई भी जगह स्टैटिक नहीं है, उसमें टाइम के साथ चेंजेस आएंगे. चेंजेस ऑफन कम इन सोसाइटी. तो टाइम के साथ किसी भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. बिकॉज ऑफ दिस चेंज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी आर ऑल्सो चेंज्ड. और टाइम के साथ साथ जैसे सोसाइटी चेंज होती है तो उसके जो रूल्स रेगुलेशन, जिस तरीके से, जैसे पहले के टाइम में क्या था, इंडिया बहुत ट्रेडिशनल वे से हम लोग रहते थे, बट अब मॉडर्नाइजेशन का ज़माना है, तो जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो भी धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज हो रहा है. दैट इज़ वाई रोल्स ऑल्सो चेंज. तो अगर वैल्यू सिस्टम ही हमारा सोसाइटी का चेंज हो जाएगा तो जो रोल प्ले कर रहे हैं लोग उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अर्लियर टाइम डिफरेंट इंपॉर्टेंस ऑफ रोल्स
वॉज कनेक्टेड विद ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस. तो पहले के टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट कास्ट कौन सी हुआ करती थी? ब्राह्मण्स और क्षत्रिया की. सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो इन कास्ट के लोगों को मिलती थी. बट दीज डेज इंडिविजुअल्स एबिलिटीज आर ऑफ मोर इम्पॉर्टेंट. आज के टाइम में इंडिविजुअल की एबिलिटी, एक पर्सन की एबिलिटी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. आप चाहे किसी भी कास्ट, क्लास या जेंडर के हो, अगर आप में एबिलिटी है, आपका रोल प्ले जो है सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा, लोग आपको पहचानेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी. पहले के टाइम में ऐसा नहीं था. जो रोल्स प्ले किए जाते थे वो अकॉर्डिंग टू द कास्ट, क्लास के अकॉर्डिंग होते थे. बट आज के टाइम में आप कोई भी रोल प्ले कर सकते हो और वो चेंजेबल है. सेवन्थ पॉइंट, रिवॉर्ड इज रिलेटेड विद रोल. इफ़ एनी पर्सन परफॉर्म हिज रोल प्रॉपरली देन ही गेट्स रिवॉर्ड इन सोसाइटी. अगर कोई पर्सन अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करता है, दूसरों की मदद करता है और इस तरीके से अपना रोल प्ले करता है कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, तो उस पर्सन को रिवॉर्ड दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एनी IAS ऑफिसर वर्क्स ऑनेस्टली देन ही गेट्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. तो अगर कोई भी IAS ऑफिसर है, बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, तो उन्हें सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजिशन मिलती है. एट्थ पॉइंट, रोल कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर रोल्स. रोल ऑफ वन पर्सन इज अंडरस्टैंडेबल इफ़ इट इज़ केप्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर रोल. अब यहाँ पर अगर हमें किसी एक रोल को समझना है तो उसके कंटेक्स्ट में जो बाकी रोल है उसको भी समझना पड़ेगा. सिर्फ एक रोल को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि एक रोल जो है बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड है. जैसे कि एक पर्सन एक ही टाइम पर फादर, हस्बैंड, क्लर्क, ऑफिसर, मैनेजर, चेयरमैन, बहुत कुछ हो सकता है. तो सिर्फ अगर हम हस्बैंड का एस्पेक्ट अगर स्टडी करना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा. सो फॉर एग्जांपल, रोल ऑफ हस्बैंड इज़ मीनिंगलेस विदाउट द वाइफ एंड चिल्ड्रन. तो अगर हमें रोल देखना है कि एक हस्बैंड का रोल क्या होता है, तो उसके लिए हम उसकी फैमिली, उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रन को उनसे अलग नहीं कर सकते हैं. उसके एस्पेक्ट में जो जो रोल्स उसके साथ कनेक्टेड है, हमें वो भी स्टडी करने पड़ेंगे. नाइन्थ पॉइंट है, ऑल द रोल्स हैव लिमिटेड एरिया, नो वन कैन गो बियॉन्ड इट्स लिमिट. कोई भी रोल ऐसा नहीं है जिसमें हम अपनी लिमिट से बाहर जा सकते हैं. एवरी रोल हैज़ लिमिटेड एरिया. चाहे हमारा सोसाइटी में रहते हुए कोई भी रोल है, हम सबके एक लिमिट होती है. फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ प्रोफेसर और टीचर इज लिमिटेड टू कॉलेज और स्कूल. और एक प्रोफेसर और टीचर का जो रोल होता है वो सिर्फ एक स्कूल और कॉलेज तक लिमिटेड है. रोल ऑफ लॉयर इज लिमिटेड ओनली टू द कोर्ट. और जो एक लॉयर का रोल होता है वो सिर्फ एक कोर्ट के अंदर लिमिटेड है. उसके बाहर आके वो एक लॉयर की तरह नहीं, एक सिटीजन की तरह बिहेव करेगा. नेक्स्ट आपकी हेडिंग है इम्पॉर्टेंस. फर्स्ट पॉइंट है डिवीजन ऑफ फंक्शंस इन सोसाइटी. एबिलिटी ऑफ वन पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ अदर पर्सन बिकॉज ऑफ विच एवरी पर्सन हैज़ टू परफॉर्म डिफरेंट रोल्स. अब देखो, सोसाइटी में हर किसी की एबिलिटी जो है, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है. एंड बेस्ड ऑन दैट एबिलिटी हम लोग जो है पर्सन का जो स्टेटस होता है, जो रोल होता है, वो डिसाइड करते हैं. रोल्स मेक द डिवीजन ऑफ फंक्शंस ईजी इन मॉडर्न सोसाइटी. हम फंक्शंस को डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि मॉडर्न सोसाइटीज़ के अंदर हर कोई अपना फंक्शन अच्छे से करे और जो पर्सन की एबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करने को मिले. पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज़ प्ले डिफरेंट रोल. तो अलग अलग एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हर पर्सन अपना फंक्शन रोल प्ले करता है सोसाइटी में, ताकि क्योस क्रिएट ना हो, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. सेकेंड पॉइंट है स्टेटस रिलेटेड विद रोल. पर्सन गेट्स पोजीशन इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द रोल विच ही प्लेस. तो पर्सन को वही पोजीशन मिलती है सोसाइटी में जो उसका रोल है. अगर आपका रोल है कि आप कंट्री के PM हो, तो ऑब्वियसली बात है आपकी रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिल जाएगी आपको सोसाइटी के अंदर. लाइक रोल ऑफ अ पर्सन इन कास्ट सिस्टम इज डिटर्मिंड बाय बर्थ. जिस तरीके से जन्म से ही आपकी कास्ट डिसाइड हो जाती है, जिस भी फैमिली में आपका बर्थ होगा आपको वही कास्ट मिलेगी. इन द सेम वे ही गेट्स द सोशल स्टेटस अकॉर्डिंग टू हिज रोल. और उसी तरीके से जो आपका रोल होगा वैसा ही आपको समाज के अंदर स्टेटस मिलेगा. अगर आप बहुत ही कोई बड़े बिजनेसमैन हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्टेटस डिसाइड होगा उस सोसाइटी में. आप एक रिच और इन्फ्लुएंशियल पर्सन होंगे. थर्ड पॉइंट है टू मेंटेन सोशल सिस्टम एंड बैलेंस. एवरी पर्सन गेट डिफरेंट रोल्स बिकॉज ऑफ विच सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नेवर अराइजेज इन सोसाइटी. अब देखो, सोसाइटी में रहते वक्त हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्लैशेज नहीं होंगे कि किसको कौन सा रोल प्ले करना है. फैमिली में अच्छे से सबको पता है हस्बैंड का क्या रोल होगा, वाइफ का क्या रोल प्ले है, बच्चों का क्या रोल प्ले है, जिसकी वजह से हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है.
पर्सन एक्सेप्ट सोशल रोल बिकॉज इट इज़ सैंक्शन बाय सोसाइटी. अब हर कोई अपना रोल क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? हस्बैंड को क्यों पता है कि हमें टेक केयर करनी है, अर्न करना है? वाइफ को पता है मुझे जो है घर की टेक केयर करनी है, उस तरीके से घर के जो हाउस होल्ड वर्क्स है वो मैनेज करने हैं, क्योंकि यही जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारी सोसाइटी के बनाए हुए हैं. इसके पीछे सोसाइटी सैंक्शन करती है इन सारी चीज़ों को, इसीलिए हर कोई जो है इन रोल्स को एक्सेप्ट करता है. रोल ऑफ पर्सन इज़ डिटर्मिंड इन सोसाइटी. तो सोसाइटी में ही पर्सन के रोल्स जो है डिसाइड किए जाते हैं, और इसी वजह से सोसाइटी में बैलेंस बना रहता है, हर कोई अपना रोल प्ले करता रहता है. फोर्थ पॉइंट है टू मेक इंडिविजुअल एक्टिव. इफ एनी पर्सन परफॉर्म हिज रोल वेल देन ही इज अवॉर्डेड बाय सोसाइटी बिकॉज एवरीवन रिस्पेक्ट दैट पर्सन हु वर्क्स एफिशिएंटली. अब देखो यहाँ पर अगर हमें रोल मिल रहा है तो ऑब्वियसली बात है हम आइडली नहीं बैठेंगे, हम अपने रोल प्ले को अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे. अगर हम अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी और फैमिली में हर कोई हमें रिवॉर्ड करेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा. तो यहाँ पर क्या है, एक रोल की वजह से हर इंडिविजुअल एक्टिवली प्ले करता है सोसाइटी में. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ अ सिटी वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी देन पीपल गिव हिम रिवॉर्ड बाय गिविंग रिस्पेक्ट. अगर डिप्टी कमिश्नर है किसी भी शहर का, वो बहुत अच्छे से वर्क करता है सिटी को डेवलप करने के लिए, तो लोग उसे कैसे रिवॉर्ड करेंगे? उसकी रिस्पेक्ट करके. तो इसीलिए वो पर्सन हमेशा एक्टिवली वर्क करेगा ताकि लोग उसे रिस्पेक्ट करें. फिफ्थ पॉइंट है टू रेगुलेट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स. रोल्स रिस्ट्रिक्ट द एरिया ऑफ डूइंग वर्क फॉर अ पर्सन. रोल्स जो है आपके एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको कितना काम करना है. अगर आपका रोल प्ले है एज अ हस्बैंड तो आपको पता है कि आपके क्या रोल प्ले होंगे, क्या फंक्शंस होंगे फैमिली में. और उसके अलावा अगर आपका रोल प्ले है एक टीचर का, तो वो आपको अच्छे से पता होगा कि आपका जो है लिमिटेड एरिया कहाँ तक है. सो ऑल्सो टेल्स हिम द वे टू डू वर्क. और हमारे रोल हमें ये बताते हैं हमें किस तरीके से सोसाइटी में वर्क करना है. रोल ऑल्सो डिटर्मिन्स द रिलेशन ऑफ अ पर्सन विद अदर पर्सन. उसके साथ साथ रोल के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि आपका जो रोल है उसमें आपका रिलेशन दूसरों के साथ किस तरीके से, आप कैसे बिहेव करोगे दूसरे पर्सन के साथ. इन दिस वे रोल्स रेगुलेट द एक्शन ऑफ अ पर्सन. तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रोल्स होते हैं हमारे एक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, हमारे एक्शंस को रेगुलेट करते हैं रोल्स. पॉइंट है टू रेगुलेट सोशल इंट्रैक्शन बाय रोल. ओनली वी कम टू नो दैट वट वुड बी द एक्शन ऑफ दैट पर्सन. सो रोल के थ्रू ही हमें पता लगता है कि अगर किसी का रोल प्ले है टीचर का, प्रोफेसर का, फादर का, हस्बैंड का, तो वो क्या एक्शन प्ले करने वाला है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड वट वुड बी द रिएक्शन ऑफ अदर रिलेटिव पर्सन. और जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, जिस पर्सन के साथ उसका रिलेशन है, वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा. तो रोल प्ले हमें ये बताते हैं कि सोशल इंटरेक्शन किस तरीके से होने वाली है. अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन दोनों का आपस में क्या रोल है और क्या फंक्शन है उनके साथ कनेक्टेड, तो उसके तरीके से ही वो लोग जो है बिहेव करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन नोज दैट व्हाट वुड बी द एक्शन ऑफ देयर फादर रिगार्डिंग देयर एक्शन. बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होता है कि हम अगर कुछ भी डिमांड कर रहे हैं अपने फादर से तो उनका क्या एक्शन होने वाला है, एंड फादर नोज़ अबाउट द रिएक्शन ऑफ दैट एक्शन. और अगर फादर कुछ भी बोलते हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं या फिर आपको मना करते हैं, तो उनको भी अच्छे से पता होता है कि आप लोगों का एक्शन क्या होने वाला है. सो यहाँ पर आपके जो रिएक्शंस और एक्शंस होते हैं, आप किस तरीके से एक पर्सन से कम्युनिकेट करोगे, वो भी आपके रोल्स डिसाइड करते हैं और रेगुलेट करते हैं. सेवेंथ पॉइंट है टू सिंप्लीफाई द सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन. डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी गेट हायर और लोअर स्टेटस अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस. अब सोसाइटी में हर किसी का रोल प्ले अलग अलग है, जिसकी वजह से हम लोग सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन कर पाते हैं, यानी कि सोसाइटी में रोल्स को डिवाइड कर देते हैं. कुछ रोल्स बहुत ही हायर पोजिशन के होते हैं और कुछ रोल्स लोअर स्टेटस के होते हैं. एवरी पर्सन इन सोसाइटी वॉन्ट्स टू गो अप इन स्ट्रेटिफिकेशन. और हर कोई कोशिश करता है कि वो रोल प्ले करे जिसमें सोसाइटी में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. जितने भी लोअर रोल्स होते हैं उन सब में कोशिश की जाती है कि मेहनत कर हम हायर रोल्स जो हैं सोसाइटी में अचीव करें. बिकॉज ऑफ विच ही डज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. इसीलिए हर कोई बहुत सारा हार्डवर्क करता है, एफर्ट करता है टाइम के साथ, ताकि उसका रोल जो है हायर स्ट्रेटिफिकेशन का हो पाए. फॉर एग्जाम्पल, एनी क्लर्क कैन बिकम द ऑफिसर विद हार्डवर्क. अगर कोई पर्सन जो है क्लर्क पोस्ट पे है और वो लोअर रोल प्ले कर रहा है, तो वो एफर्ट करके, अपनी मेहनत कर जो है हायर स्ट्रेटिफिकेशन की तरफ जा सकता है.
8th pointed to clarify the duties and responsibilities of individual. Any person in society is the member of different groups and every group determines the expected behavior of the person. अब देखो सोसाइटी में रहते वक्त हम बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर बनते हैं. पहले तो अपने फैमिली का ग्रुप का मेंबर बनते हैं, देन स्कूल का, फ्रेंड्स का, गवर्नमेंट का, एनजीओज का, बहुत सारे ग्रुप्स का हम लोग फॉर्मली और इनफॉर्मली तरीके से ग्रुप का मेंबर बन जाते हैं. और हर ग्रुप के अपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कुछ रोल प्ले होते हैं, कुछ ड्यूटीज होती है जो हमें निभानी होती है. वंस वी बिकम द मेंबर ऑफ एनी ग्रुप तो हमें ये बताया जाता है कि हमारी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारा जो रोल होगा वो उस टाइम पे हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें कैसे बिहेव करना है एक पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रुप के अंदर. ये कह सकते हैं कि एक ग्रुप का मेंबर बनने पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी क्या ड्यूटीज है, ये हमें अच्छे से पता लग जाती है. उस चीज में हमें क्लैरिटी मिल जाती है. एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड. इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा. कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो. इनकेस लाइन्स आपको नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ पे लाइन्स लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट. आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज कमेंट बिलो. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम. ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे.